हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन यानी जैसे आप सभी को पता है कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के जो एडमिशन हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही बैचलर्स ऑफ फार्मेसी एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के एडमिशन्स भी स्टार्ट होने वाले हैं तो ये एडमिशन का शेड्यूल डिक्लेयर करने के पहले यानी एडमिशन स्टार्ट होने के पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना बहुत असेंशियल है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड वेरीफ़िकेशन प्रोसीजर तो इन्हीं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स यानी जो भी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत असेंशियल है सबसे पहले तो आपका डोमोसाइल सर्टिफिकेट यानी नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है इसे आपके पास आपका डोमोसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए इसके बाद आपके पास आपकी टेंथ की मार्कशीट ट्वेल्थ की मार्कशीट और अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं आफ्टर कम्प्लीटिंग योर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी तो आपके पास आपका डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी का फाइनल ईयर का मार्कशीट भी होना ही चाहिए तो ये तीन एसेंशियल मार्कशीट आपके पास होने चाहिए और ये वैलिड मार्कशीट होने चाहिए उसके साथ आपके पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट भी होना ही चाहिए और अगर आपका नंबर ई कैटेगरी के थ्रू लगा है तो आपके पास ई सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आपका नंबर ई कैटेगरी के थ्रू नहीं लगा है तो भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए इसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट यानी जिस भी कॉलेज से आप प्रीवियसली पास आउट हुए हो उसका लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपके जो फोटोग्राफ है यानी करंटली जो आपके फोटोग्राफ है करंट फोटोग्राफ्स वो होने चाहिए वैलिड आईडी होना चाहिए ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए फ़ोन नंबर वैलिड होना चाहिए एंड आधार कार्ड होना चाहिए क्योंकि जो ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर होता है उसी के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं पे सारे इंपॉर्टेंट ओ जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं तो इसीलिए आपका ई मेल वैलिड होना चाहिए और आपका फ़ोन नंबर भी वैलिड होना चाहिए अब हम आगे बात करते हैं द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कास्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स यानी जो भी स्टूडेंट्स ओ बी सी एस बी सी एन टी वी जे डी टी इन कास्ट को बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके बाद उनके पास टेंथ की मार्कशीट ट्वेल्थ की मार्कशीट एंड डिप्लोमा फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए क्योंकि आप कास्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो इसीलिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट प्लस नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये बहुत असेंशियल है कास्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्लस इनकम सर्टिफिकेट लिविंग सर्टिफिकेट जिस भी कॉलेज से आप प्रीवियसली पास आउट हुए हो उस कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इसके बाद फोटो होना चाहिए आपके पास करंट वैलिड फ़ोटो होना चाहिए वैलिड ईमेल आईडी प्लस वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए प्लस वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए इस तरह से ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ओ बी सी एस बी सी एन टी वी जी डी टी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास एसेंशियली होने चाहिए अब हम बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द स्टूडेंट्स जो एस सी एंड एस टी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमोसाइल एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो हर एक कैटेगरी ऑफ कास्ट स्टूडेंट के पास होना चाहिए यानी आप किस भी कैटेगरी या कास्ट में बिलोंग करते हो आपके पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट एसेंशियली होना चाहिए इसके बाद जो मार्कशीट होती है ट्वेल्थ की मार्कशीट टेंथ की मार्कशीट एंड डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की मार्कशीट जो भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की मार्कशीट कंपलसरी होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एस सी एन एस टी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए नॉन क्रिमिलियर यह सर्टिफिकेट एसेंशियल नहीं है बट जो ओ बी सी एस बी सी एन टी वी जी डी टी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए नॉन क्रिमिलियर होना ही चाहिए तो एस सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट प्लस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एसेंशियल है उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लिविंग सर्टिफिकेट आइडेंटिटी फ़ोटो जो आपका होता है वैलिड वो आपके पास होना चाहिए एक वैलिड ईमेल आईडी प्लस वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए दैन वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए तो ये थे कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को जनरेट करने हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेज तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन और ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आपको आपके एडमिशन प्रोसीजर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने के पहले ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं और एक प्रॉपर सेट बना के रख सकते हैं ताकि जब आप आपका रजिस्ट्रेशन करें कैपराउंड के लिए या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें फॉर बैचलर्स ऑफ फ़ार्मेसी या डिप्लोमा ऑफ फ़ार्मेसी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए वो जितने भी सर्टिफिकेट्स एसेंशियल हैं वो उन्हें प्रेजेंट करने होंगे जो भी पी डब्ल्यू की डी कैटेगरी में आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए वो सर्टिफिकेट एसेंशियल है तो वो स्टूडेंट्स के पास वो सर्टिफिकेट भी होने चाहिए तो ये थी लिस्ट ऑफ़ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसीजर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे न्यू हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग